मैं पवन सर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं, आपके इस ऑफिशियल चैनल HP YouTube क्लासेज में स्वागत करता हूं। सभी छात्रों को मैं तहे दिल से एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। आप सबका सपोर्ट प्यार आशीर्वाद के कारण मेरा ये YouTube परिवार आपका बहुत आगे ग्रो कर रहा है। तो मैं आपसे यही अपेक्षा चाहता हूँ दोस्तों, ऐसे ही आप लोग बने रहिए। मैं आप लोगों के लिए एक नए तरीके से मैं गणित का तैयारी करा रहा हूं, आप लोग को मज़ा आ रहा है। तो कोशिश ये करिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी लोग इस पे जुड़िए। आप घर बैठे आप अपनी मोबाइल का अच्छे से डाटा का इस्तेमाल करिए और आप अपने घर से बैठ करके ही पढ़ाई का क्या ले लीजिए, आनंद लीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सभी स्कूलें खुल गए हैं, सभी क्लासें भी शुरू हो गई हैं, तो मैं लगातार आप लोग के लिए नए नए वीडियो आप लोग को ले आ रहा हूँ। तो मैं बात करूंगा आज के नए क्लास की, तो त्रिकोणमिति मैं बता रहा हूँ, त्रिकोणमिति का सूत्र आज हमारा दूसरा भाग होगा। तो मैंने इसके पहले आपको भाग में बताया स्वरसामिका क्या है, त्रिकोणमिति के अनुपात क्या है, आज मैं बात करूंगा त्रिकोणमिति की सारणी। जी, त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है उसकी बात करूँगा, उस पर किससे सूत्र बनाए जाते हैं। चलिए मैं क्लास की शुरुआत करता हूँ, आप चलिए सभी लोग जुड़ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज हमारा क्या होगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति का सूत्र एवं जो परिचय चल रहा है आज, इस पर हम दूसरा भाग हमारा होगा, जो दूसरा भाग होगा वो आपका होगा त्रिकोणमिति सारणी के ऊपर होगा। वो क्या होगा? त्रिकोणमिति सारणी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ से त्रिकोणमिति सारणी, ठीक है, त्रिकोणमिति सारणी, तो ये त्रिकोणमिति जो सारणी है इस पे जितने भी अगर कहा जाए, आप इसको अगर अच्छे से याद कर लीजिए, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आने वाले समय में भाई आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जाएंगे या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, आपको मज़ा आएगा ऐसे त्रिकोणमिति सारणी को आप याद करके। तो चलिए देरी ना करते हैं, हम इस पे देखते हैं। आप जैसा जानते हैं कि त्रिकोणमिति सारणी में 6 अनुपात होते हैं। कितने अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं, जो आपका साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, काट, ये तो इस तरह से 6 अनुपात होते हैं। और यहाँ हमें न्यून कोण के मान निकालना है। जैसे आप जानते हैं न्यून कोण जो कोण होता है भाई, वो क्या होता है? 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और क्या होता है? 90 अंश। ये 90 अंश की बात करें तो 90 अंश सम होता है, न्यून कोण जो 90 अंश से कम होता है वही न्यून कोण होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ से बात करूँ, ठीक है भाई, देखिए अच्छे से इसको। चलिए यहाँ से हम बना रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से, ये ठीक है, थोड़ा सा हम सारणी बना रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको, आप भी बनाना सीख जाइए, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आपका कोण होता है, क्या होता है? कोण, जिसे हम थीटा लिखते हैं, ठीक है, ये आपका होता है 0 अंश से, ये 30 अंश से, ये 45 अंश होता है, फिर उसके बाद 60 अंश होता है, फिर क्या होता है भाई? 90 अंश, ठीक है। तो इस तरह से हमारी त्रिकोणमिति क्या होती है? सारणी की शुरुआत हम करते हैं, ठीक है भाई। अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बात करूं, तो देखिए क्या होता है, जिससे आपसे कहा जाए, ठीक है भाई जी, देख लेते हैं। तो अगर देखिए शुरुआत हम यहां से करेंगे, फिर यहां आपका लिखा जाता है साइन, ठीक है, साइन हो गया ये, फिर उसके बाद कास लिखते हैं, ठीक है भाई, कास, फिर उसके बाद हम लिखते हैं टैन लिखते हैं, ठीक है भाई, टैन लिखते हैं, फिर लिखते हैं काट लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? काट लिखते हैं, फिर और आगे चले तो हमारा बनता है आपका सेक, क्या बनता है भाई? सेक, ठीक है, ये काट हो गया, फिर आपका बनता है सेक, फिर लास्ट में जो आपका बनता है वो आपका क्या बनता है? कोसेक बनता है, क्या बनता है भाई? कोसेक। तो आप इस तरह से देख लेंगे त्रिकोणमिति सारणी, बड़े सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आप जीवन में कभी भूलेंगे ही नहीं। अब आपको लगता है ना कि हम पढ़ाएं आपको ऐसा हो नहीं सकता, समझ में आए, तो मज़ा आएगा यार, बस वीडियो में पूरी तरह से बने रहना, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा आपको देखिए मान बन गया, ठीक है भाई जी, इधर देख लेते हैं, ये इस तरह से, अब इतना तो आप बना लेंगे भाई, ठीक है, इतना तो आप बना लेंगे। देखिए अब मैं यहाँ से शुरुआत करूँ, देखिए बहुत सारे टीचर बताते हैं सर 2-3 याद कर लीजिए आपको पूरा याद हो जाएगा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक भी मत याद करिए। अब देखिए मैं यहाँ से अगर बात करूँ, तो आप लिखेंगे 0 बटे कितना लिखेंगे? 4,
फिर लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे 2/4, फिर लिखेंगे 3/4, फिर लिखेंगे 4/4। ये देखिए आपने लिख दिया, क्लियर है भाई। अब आपने इतना तो लिख दिया, आप देखिए इसके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए भाई? रूट लगा दीजिए। ये देखिए आप सभी में रूट लगा दीजिए। आप देखिए तो अब ये बताओ जरा, यहाँ से अगर 0/4 है, 0/4 तो 0 किसका वर्गमूल होता है, या कहा जाए 0/4 है तो अगर कोई गिनती नीचे हो, हर जीरो हो, अंश जीरो हो, हर कोई गिनती हो, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। अब 1/4 का जो वर्गमूल बनता है, 1/2 क्या बनता है? 2 बनता है। यहाँ अगर इसको काटा जाए, 1, 2, 2, 2, 4, तो 1/2 का जो वर्गमूल बनता है, 1/√ कितना बनता है? 2। अब देखिए √3 का वर्गमूल तो नहीं बनेगा, √3 और 2 का वर्गमूल 2। ये देखिए 4, 4, 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1। तो इस तरह से यहाँ जो मान निकला वो किसके लिए निकला? साइन के लिए। साइन 0 अंश का मान 0 हो गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 हो गया, साइन 45 अंश का मान 1/√ कितना हो गया भाई? 2 हो गया, और साइन 60 अंश का मान √3/2, और साइन 90 अंश का मान कितना हो गया? 1 हो गया। अब देख लीजिए ये किसके लिए बन गया? साइन के लिए बन गया। अब देखिए अगर मैं बात करूं कॉस के लिए, तो बस इसी को आप ऐसे व्युत्क्रम कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? व्युत्क्रम कर दीजिए, तो आपको साइन का मान भी क्या होगा? निकल जाए, सॉरी कॉस का निकल जाएगा। ये देखिए ऐसे नचा दीजिए, तो नचाइए, यहाँ शुरुआत होगा कॉस 0 अंश का मान 1, कॉस 30 अंश का मान √3/2, कॉस 45 अंश का मान 1/√2, कॉस 60 अंश का मान 1/2, कॉस 0 अंश का मान कितना होगा? 0 होगा। आप देखिए बात यहाँ से आती है भाई टैन की, किसकी बात आती है? टैन। तो आपको पता होगा कि टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है? कॉस थीटा होता है जी। साइन थीटा बटे क्या होता है? कॉस थीटा। तो आपको ये भाई पता होगा कि टैन 0 अंश का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 अंश और बटे क्या लिखेंगे? कॉस 0 अंश लिखेंगे। आप देखिए तो टैन साइन 0 अंश का मान आपका क्या होता है? 0 होता है, और कॉस 0 अंश का मान कितना होता है? 1। अब अंश अगर 0 है, हर कोई गिनती है, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है भाई? 1, 0 होता है। यदि अगर यही 1/0 होता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता? इनफाइनाइट हो जाता, ठीक। अगर हम किसी संख्या में 0 से भाग करते हैं तो उसका मान इनफाइनाइट आता है, यदि किसी संख्या को हम 0 से भाग 0 में भाग करते हैं तो उसका मान क्या आता है? 0 आता है। आप देखिए तो आप यहाँ समझ में आ गया, 0 अंश है और हर एक है, तो ऊपर 0 नीचे गिनती आपका 0 हो गया। ये देखिए 2 से 2 कट गया, तो 1/ कितना बचा? √3 बचा, ठीक है। ये देखिए पूरा 1/√2, 1/√2 कट जाएगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार। 2 से 2 कट जाएगा तो रूट कितना आ गया? 3। अंश देखिए अंश आपका गिनती हर 0, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? इनफाइनाइट आ गया। आप देखिए यहाँ बचा काट आपका, तो आप काट देखेंगे, काट जो होता है ना वो किसका उल्टा होता है? टैन का। तो 0 को उल्टा इनफाइनाइट, 1/√3 को उल्टा √3, ठीक है, 1 का उल्टा 1, √3 को उल्टा 1/√3, और इनफाइनाइट को उल्टा कितना होता है? 0 होता है। सेक 0 अंश, सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का होता है। तो 1 का उल्टा 1, √3/2 को उल्टा 2/√3, 1/√2 को उल्टा √2, 1/2 को उल्टा 2, 0 को उल्टा इनफाइनाइट होता है जी। कोसेक, कोसेक 0 अंश का जो उल्टा होता है जी, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन को उल्टा होता है। तो 0 को उल्टा इनफाइनाइट, 1/2 को उल्टा 2, 1/√2 को उल्टा √2 होता है भाई, √3/2 को उल्टा 2/√ कितना होता है? 3, और 1 को उल्टा क्या होता है? 1 होता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देख लिया कि त्रिकोणमिति सारणी को मैंने बड़े ही सरल तरीके से क्या किया? तैयार कर लिया। अब इसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार दो बार में, आपको पूर्ण रूप से क्या होगी? समझ में आ जाएगी, और मज़ा भी आएगा कि वास्तव में आज त्रिकोणमिति यार सारणी मज़ा आ गई याद करने में। तो ऐसी त्रिकोणमिति सारणी आप तैयार करिए, और मैं इसके बाद आपको और सारे सूत्र बता रहा हूँ, आप इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो चलिए भाई आप लोगों ने इतना देख लिया, मैं अब यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि त्रिकोणमिति की जो चतुर्थांश बनते हैं वो कैसे आपको
बनाए जाते हैं। मैं चतुर्थांश वादा करता हूँ दोस्तों, एक दो सेकेंड में आप जरूर याद कर लेंगे। तो आपसे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं चतुर्थांश का एक नया वीडियो बना रहा हूँ, एक नए क्लास में आपसे मिलूँगा। तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए ताकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। वहाँ से मैं आप उसको पार्ट वन करके पार्ट थ्री करके डाल रहा हूँ, आपको मज़ा आएगा। तो चलिए सभी लोग को बस इतना ही आज की क्लास में, आगे नेक्स्ट मिलेंगे। आप सभी का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, आप सभी लोगों को तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ।